हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश किचन। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल कांजी वड़ा, जिसे राजस्थान में स्पेशली होली में बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। कांजी वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पानी 2 लीटर, नमक 4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पीली सरसों के दाने इसे कोर्सली पाउडर बना लें 5 टीस्पून। वड़ा बनाने के लिए धुली मूंग दाल आधा कप, धुली उड़द दाल आधा कप, अदरक 1 इंच इसे छोटा छोटा चॉप कर लें, नमक आधा टीस्पून, हरी मिर्च 2 पीस, हींग 1/4 टीस्पून, तेल वड़े फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम कांजी बनाएंगे। एक पतीले में पानी डालकर बॉईल करने के लिए रख दें। देखिए अब इसमें बॉईल आ गया है, तो इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। अब पानी हल्का ठंडा हो गया है, अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सरसों का पाउडर डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसके ऊपर जाली या फिर इसे मुस्लिन क्लॉथ से कवर करके रख दें। इस यूटेंसिल को धूप में 4 से 5 दिन तक फर्मेंट होने के लिए रखना है। यूटेंसिल को रात को अंदर ले आएं और वापस से मॉर्निंग में बाहर रख दें। धूप में रखने से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें। वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल और उड़द दाल को एक बोल में डाल लें। इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लें और इसे पानी डालकर 4 घंटे के लिए सोक करने रख दें। दाल का एक्सेस पानी निकाल लें। अब एक ग्राइंडर जार में दाल, नमक, हरी मिर्च और अदरक डालें। इसका एक कोर्स सा पेस्ट तैयार कर लें। अगर जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। बैटर की कंसिस्टेंसी इस टाइप से होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हींग डालें। बैटर को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, ये हल्की और फ्लफी हो जाए। अब एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करने रख दें। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पेस्ट डाल के देखें। ये देखिए अच्छे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा तेल अच्छा गरम है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट का पोर्शन लेके डालें। इसे बीच बीच में छलनी से ऐसे हिलाते रहें।
जब वड़े हल्के से गोल्डन हो जाएं तो इन्हें निकाल लें और साइड में रख दें। बाकी बचे हुए वड़े भी इसी तरह से तल लें। कांजी वड़े को सर्व करने के लिए एक सर्विंग बोल में थोड़े से वड़े डालें। अब इसके ऊपर से कांजी डालें। जब कांजी हल्की सी खट्टी हो जाए तो इसका मतलब ये तैयार हो चुकी है। कांजी को सर्व करने से पहले एक बार इसे हमेशा स्टर करें। इसे 10 मिनट के लिए सोक करने रख दें, जिससे कि वड़े के अंदर कांजी अच्छे से चली जाए। ये देखिए वड़े कितने सॉफ्ट और यमी लग रहे हैं। इस होली कांजी वड़े बनाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।